Classes, good morning all of you. Chapter 11, electric current and circuit. First इसमें हम electric current को discuss करते हैं. ठीक है, electric current क्या होता है? We have used the term electric current while describing the working of an electric cell. हम electric current को कब describe कर सकते हैं? जब बात करते हैं electric cell क्या है? Electric cell means जो आपको लाइट आप उसकी जो हीट एनर्जी रहती है उसके अंदर जो एनर्जी रहती है वो उसमें कन्वर्ट होती है आपकी लाइट एनर्जी. फॉर एग्जांपल आपने एक सेल लिया, सेल में आपने दो क्या लिए कनेक्टर्स लिए मतलब वायर लिए उसमें एक बल्ब को जोड़ दिया. जब आपने वो दोनों कनेक्टर सेल के नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव टर्मिनल से क्या किए जॉइंट किए तो क्या होता है आपका जो बल्ब होता है वो ग्लो करना मतलब वो बल्ब जलना शुरू हो जाता है. तो ये क्या है आपका जो मतलब सेल की एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है वो आपकी लाइट में क्या हो रही है कन्वर्ट हो रही है मतलब जो उसकी हीट एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. ठीक है, तो ये वर्ड टू डिस्कस विल इलेक्ट्रिक करंट. बट टू व्हाट एग्जैक्टली इज एन इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन हम एग्जैक्टली हम क्या देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का वो हम यहां पे देखते हैं. व्हिच वे का बल्ब ग्लो व्हेन द बल्ब इज कनेक्टेड टू एनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जब आपने किसी एक बल्ब को किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से क्या किया कनेक्ट किया. अब इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से कनेक्ट किया तो क्या हुआ उसमें कुछ लाइट में जो आपके बायस होते हैं बायस क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स. जब वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक सर्किट से आपके बल्ब की साइड मूव करेंगे ठीक है तो क्या होगा उसमें एक हीट एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी. जब वो हीट एनर्जी आपकी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा आपका बल्ब ग्लो करने लगेगा. बल्ब ग्लो करेगा मतलब बल्ब जलने लगा मतलब उसमें हीट पास हो रही है. ठीक है ना, तो इसको हम इस टर्म को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. ठीक है, तो ये आज से और इसमें हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हिच गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी. जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो किसका फॉर्म है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्म है जिसको कि हम जब फ्लो करवाते हैं किसी ऑब्जेक्ट में तो क्या हो जाता है जो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हिच गेट कन्वर्टेड इनटू जो उसकी मतलब हीट एनर्जी होती है और लाइट एनर्जी वो क्या होती है कन्वर्ट होती है. क्या आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जब हम उसको फ्लो करवाते हैं तो किसमें कन्वर्ट होती है आपकी हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होकर किसी भी बल्ब को क्या कर सकती है ग्लो कर सकती है करंट को पास कर सकती है. Then it flow through an electric bulb. और तब जाके एक इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है ग्लो करता है या वो जल जाता है. तो ये बात समझ में आया आपको इलेक्ट्रिक करंट. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे सर्किट्स क्या है और इसके आगे के कुछ पॉइंट्स. ठीक है, क्लास में थैंक यू.